नमस्कार साथियों, आज हम बात कर लेते हैं भाई यूएई से रिलेटेड, दुबई से रिलेटेड, जी हाँ भाई, गोल्ड के बारे में। जी हाँ, 2.5 करोड़ का गोल्ड पकड़ा गया है। जी हाँ, सब सोचने की बात है, 2.5 करोड़ और लाखों की करेंसी पकड़ी गई है, विदेशी करेंसी। जी हाँ, चेन्नई एयरपोर्ट के अंदर इनका लाने का तरीका देखिए, गोल्ड लाने के चक्कर में लोग नंगे तक हो रहे हैं। कोई अंडरवेयर में छुपा के ला रहा है, कोई मोजे में छुपा के ला रहा है, कोई अपने बाल कटवा के ला रहे हैं। इमेज के माध्यम से आपको कोशिश करूंगा मैं समझाने की, देखिए किस तरह से लोग लालच के अंदर आके कितना कितना मतलब घटिया काम करने की वो सोच लेते हैं। जी हाँ, लेकिन उनको सोचना चाहिए कि भाई आपको एक बॉर्डर क्रॉस करना होता है, जिसको इमिग्रेशन बोल सकते हैं। जी हाँ, उनकी नज़रों से आप छुप नहीं सकते। कम से कम 6 लोगों को ये इस मैटर में पकड़ा गया है। चेन्नई एयरपोर्ट की हम बात करें तो वो अधिकारी भी इनके जो तरीके देख देख के अचंभित है, सोचने पे मजबूर हो गए। पुलिस भी हैरान रह गई, क्योंकि 2-2.5 करोड़ का गोल्ड कम नहीं होता भाई, किलो किलो गोल्ड लेके के 1-1 केजी गोल्ड लेके आ रहे हैं। उनको भय नहीं होता यार पुलिस पकड़ लेगी वगैरह वगैरह, लेकिन फिर भी हम डिटेल से हम बात बताएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए भाई, बेल आइकन ऑन कर लीजिए, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखिए, ताकि हर रोज आपको विदेश से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। बता दूं आपको, 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया, उसके पास 2.5 करोड़ का गोल्ड प्लस 24 लाख की विदेशी करेंसी भी उनसे जब्त कर ली गई। जी हाँ, इन सबको हालांकि अरेस्ट तो होना ही था भैया, क्योंकि आपको पता है 20 लाख से ऊपर गोल्ड होते ही उसके ऊपर FIR होकर उसको गोल्ड को जब्त कर लिया जाता है। ये जो पूरा माजरा है गोल्ड तस्करी, ये सब तमिलनाडु के चेन्नई एयरपोर्ट का मैटर है। जी हाँ, ये आदमी दुबई से चेन्नई एयरपोर्ट पे पहुंचे थे, उतरने के बाद में आपको पता है सब कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी बाहर निकलने की, लेकिन इमिग्रेशन अधिकारी जो बैठे रहते हैं, इनकी गिद्ध की सी नजर होती है ऊपर से, वो शिकार ढूंढते हैं कि इनमें से शिकार कौन सा निकलेगा। कुछ लोगों के हेयर स्टाइल है ना, अजीब लगी उनको, उनको लगा कि विग पहन रखी है उन्होंने, क्योंकि भाई विग पहनोगे तो ओरिजिनलिटी खत्म होती है, कहीं ना कहीं पता लग ही जाता है। जैसे ही उनको इधर साइड में करके उनकी विग को चेक किया, तो उनको आप देख सकते हैं किस तरह से इनकी विग उतारी जा रही है, उनके विग पूर्व उतारने तो उसके अंदर से गोल्ड निकल के आ रहा है। जी हाँ, उनको साइड में अधिकारी भी सोचने पे मजबूर हो गया, 5.5 किलो गोल्ड इन लोगों से जब्त किया गया, जिसकी कीमत 2.5 करोड़ से भी ऊपर है। जी हाँ, 24 लाख की इन लोगों से मुद्रा पकड़ी गई, सोचने की बात है। हालांकि इन सब लोगों को गिरफ्तार करके, इनकी FIR दर्ज करके इनको जेल तो जाना ही पड़ेगा, गोल्ड भी जब्त हो जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। ये खुफिया जानकारी मिल जाती है भाई, ये लोग क्या बता दूं, 39 साल का एक बंदा था अकबर अली, सेकंड चेन्नई का था 26 साल का जुबेर हसन, ये चेन्नई एयरपोर्ट पर पहुंचे थे, इनको बाहर निकलने से पहले रोक लिया गया, क्योंकि इनके हेयर स्टाइल था वो अलग तरीके से लग रहा था। जांच करने पर पता लग गया भाई कि इनके जो बाल हैं वो काट के दूसरे बाल लगाए गए थे। जी हाँ, उस जगह पर विग पहन रखी थी, विग के अंदर और सर है इसके बीच में लगभग गोल्ड, उन्होंने 2 सोने के पैकेट्स थे वो छिपा के रखे थे, जिनका वजन लगभग 600 किलोग्राम था। जी हाँ, दूसरे मामले में 42 साल का गणेश, जो उसी फ्लाइट से दुबई पहुंचा था, उसके पास मैं बता दूं गोल्ड के 3 बंडल निकले थे, जिसकी कीमत लगभग 600 ग्राम थी। जी हाँ, इसी तरह से चेन्नई के एक अंबा जगन को पकड़ा गया था, बता दूं 24 साल का बंदा था, जो 1.5 किलो गोल्ड लेके आया था। जी हाँ, जिसने अपने मोजे में अंडरवेयर में एक सामान छुपा के गोल्ड लेके आया था। हालांकि ये जो मैटर है ना, सबसे ज्यादा गोल्ड तस्करी मेरे हिसाब से केरला में चेन्नई में उधर ही होती है, क्योंकि सबसे एक तो उधर के लोग गोल्ड सबसे ज्यादा पहनते हैं, इंडिया में सबसे ज्यादा गोल्ड अगर पहना जाता है तो केरला में पहना जाता है, सबसे ज्यादा गोल्ड तस्करी वही होती है। हालांकि पुलिस पूरी कोशिश करती है जो तस्कर होते हैं, गोल्ड स्मगलिंग करते हैं, उनको कंट्रोल करने की, लेकिन भाई वही बात है, हर आदमी 30 मार का होता है जो आइडिया निकाल लेते हैं नए, लेकिन भाई इमिग्रेशन वाले भी कम नहीं होते, वो भी उनको भी वो आप ही के चक्कर में रहते हैं कि कहाँ, आप सोचने की बात है अरविक में गोल्ड कौन इतनी सोचता है, लेकिन देख लो पता लग ही गया ना। तो ये डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करनी थी भाई, देख लीजिए थोड़ा सा आते समय अगर गोल्ड लेके आते हैं ना, तो टैक्स देके निकलोगे तो इज्जतदारी से निकल जाओगे, वरना ऐसी स्थिति आपकी भी हो सकती है। बस ये अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।